तो अगर आपको छोड़ दिया जाए कि ऐसे आइलैंड में जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ पानी है और रात में मॉब्स का खतरा, और यहाँ पर फ्रेंडली मॉब्स बहुत ज़्यादा कम स्पॉन होते हैं, और यहाँ पर खाने का कोई भी आइटम नहीं है, क्या यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो? वो भी 100 डेज, और वो भी हार्ड कोर है, मतलब आपकी छोटी छोटी गलती आपकी जान ले सकता है, और छोटी छोटी गलती आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। तो अगर हाँ तो यार इस वीडियो को फुल वॉच करो, और अगर ना तो इस वीडियो को वॉच करो, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के साथ साथ आपको ऐसे लगा कि आप सर्वाइव करो 100 डेज के लिए। तो अभी कभी कुरकुरे और पॉपकॉर्न पकड़ के रख लो, क्योंकि ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा मस्त। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फन। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बता दूँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग गया, और एडिटिंग में 5 घंटे से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर सही में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, और ये भी मैं माइक पर पॉकेट एडिशन में कर रहा था, आप समझ सकते हो। और ये मेरा दूसरा ट्रायल होने वाला है, पहले ट्रायल में मैं मर चुका था, और ये मेरा दूसरा ट्रायल होने वाला है, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सो हैव अ नाइस डे, लेट्स गो। तो अब हमारा day 1 स्टार्ट हो चुका था। तो पहले मैंने लकड़ियां काटी, एंड देन वक्त था टूल्स बनाने का। तो पहले मैंने प्लैंक्स बनाए, एंड देन क्राफ्टिंग टेबल, देन उसे प्लेस किया, एंड देन मैंने कुछ स्टिक्स बनाए, एंड देन अपना टूल। पहले मैंने एक स्वॉर्ड बनाया, एंड देन एक्स, एंड देन पिकैक्स। तो यार मैंने अपने वुडन टूल्स बना लिए थे। देन मैंने ट्रीज के लीव्स हटाए, एंड देन वक्त था इस छोटे से आइलैंड से बड़े आइलैंड की तरफ जाने का, और मैं निकल गया बड़े आइलैंड की तरफ। तो ये आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा था, एंड मेरा पहला काम था माइनिंग करने का। तो मैंने पहले स्टोन्स तोड़े बहुत सारे, देन मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया, एंड देन स्टोन टूल्स बनाने लग गया। पहले मैंने स्वॉर्ड बनाया, एंड देन पिकैक्स, एंड देन एक शॉवेल, एंड देन यहाँ पर मैंने शुगरकेन देखा, तो मैं शुगरकेन को तोड़ने चला गया। देन मैंने अपना पहला फार्म बना लिया था, वो था शुगर केन का फार्म। तो मुझे जितना मुझे मिला था शुगर केन, मैं उसे प्लेस करता रहा। अब वक्त था एक नेक्स्ट लेवल फार्म बनाने का, मतलब एक ट्री फार्म बनाने का। तो इसके लिए मुझे डर्ट चाहिए था, और मैं डर्ट कलेक्ट करने चला गया। देन मैंने एक छोटा सा आइलैंड बनाया, जहां पर मैं अपने ट्रीज फार्म को बना सकता था। एंड देन मैंने सैपलिंग्स को जो है प्लेस कर दिया। अब रात हो चुकी थी, और मुझे खतरा था मॉब्स का, बट तभी मुझे एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया, बट मैं भी उस पर अटैक करता रहा बिना किसी हिट मार। एंड मैंने उसे ख़त्म कर दिया, तभी एक दूसरे ज़ॉम्बी ने भी मुझे पीछे से अटैक कर दिया। एंड फिर मैंने एक छोटा सा डर्ट और कोबलस्टोन का घर बनाया, एंड फिर मैं पूरी रात यहीं पर रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैंने पूरा की पूरा एक दिन मैं सर्वाइव कर चुका था इस कोबलस्टोन और डर्ट हाउस में। तो मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, और मेरी हेल्थ भी कम थी, तो मैं ग्रास इकट्ठा करने चला गया, जिससे मैं बना सकता था अपना एक वेजिटेबल फार्म। देन मैंने वंस अगेन एक छोटा सा आइलैंड बनाया, जहाँ पर मैं फार्मिंग कर सकता, क्योंकि मैंने 5 सीड जो है कलेक्ट कर लिया था। एंड देन मैंने एक हो क्राफ्ट किया, एंड देन मैं फार्मिंग करने चला गया, और मैं अब फार्मर बन चुका था। देन वक्त था सीड प्लांट करने का। तो फाइनली हमने फार्मिंग का फर्स्ट लेवल पार कर लिया था, मतलब एक एरिया बनाना एंड हो से उसे उपजाऊ बनाना, एंड सीड कलेक्ट करके सीड लगाना। अब वक्त था आइलैंड को सुंदर बनाने का। तो मैंने अपने आइलैंड को प्लेन करने की सोच ली थी, तो मैं पूरे के पूरे दिन प्लेन करता रहा। तो मैंने पूरा दिन सिर्फ अपने आइलैंड को प्लेन करता रहा, और प्लेन करते करते फाइनली रात भी हो गई थी, और मुझे डर था मॉब्स का, बट मैं प्लेन करता रहा। सो गाइस, day 2 हो चुका था, एंड यार सबसे बड़ी बात, हमारा ट्रीज फार्म में हमारा पहला सैपलिंग उग चुका था, बट वो जैसे ही पैदा हुआ हमने उसे मौत के घाट उतार दिया।
देन वक्त था उसके लीव्स को काटने का जिससे हमें सैपलिंग्स मिल सकती थी। जितना ज़्यादा सैपलिंग होगा उतने ज़्यादा हमारे पास होंगे सैपलिंग्स और वुड्स। देन वक्त था ट्रीज फार्म के आइलैंड को बड़ा करने का और मैं चारों तरफ से डर्ट को सराउंड करते चला गया। देन डे टू की भी रात हो गई थी और अब वक्त था डे थ्री का। तो फाइनली डे थ्री की सुबह हो चुकी थी और फाइनली मुझे सीप मिल गया और मैंने थोड़े बहुत आयरन कलेक्ट किए थे जिससे मैंने सीप बनाया था और मुझे बेड के लिए मुझे थोड़े बहुत वूल मिल गए थे। तो फाइनली यार मुझे चार वूल मिल चुका था, मतलब मेरे पास इतने सफिशियंट वूल थे कि मैं बना सकता था अपना एक अलग सा बेड। देन मैंने एक बेड बना लिया था फाइनली। अब मैंने अपने बेड को यहीं पर प्लेस कर दिया। तब मैंने यहाँ पर एक काऊ देखा और मुझे इसका मारने का मन करता, पर मैंने इसका भोला शकल देखकर मैंने इसे छोड़ दिया। बट तभी मैंने देखा कि हमारा जो शुगर केन फार्म है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। हमारा ये फार्म बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रहा है इन कंपेरिजन टू हमारा जो है फूड वाला फार्म। देन मैंने इसे रीप्लांट किया। देन एक मैं दूसरे वाले फार्म में गया जिसका नाम था ट्री फार्म और यहाँ पर भी मैं ट्रीज को काटने लगा। ये फार्म भी बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो हो रहा था, यहाँ के जितने भी सैपलिंग्स हैं वो जल्दी से ग्रो होकर ट्री बन जा रहे थे। तो मैं तोड़ता रहा इनके प्लांट्स बनाने के लिए, वुड्स को मैंने तोड़ा एंड देन इनके लीव्स को भी मैंने तोड़ दिया। देन मैंने माइनिंग करने के लिए एक जो है रास्ता बनाया क्योंकि मुझे जल्द ही माइनिंग करने के लिए जाना वाला था मैं। बट मैं अभी माइनिंग करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जिस दिन माइनिंग करने जा रहा था मैं रेगुलर जाने वाला था। तो मेरे पास बोन था जिससे मैंने बोन मिल बनाया एंड अपने जो है व्हीट फार्म की तरफ चला गया। तो पहले मैंने अब ट्री फार्म में आके थोड़े से ये जो सैपलिंग्स हैं उन्हें इकट्ठा किया एंड देन मैं अपने व्हीट फार्म की तरफ चला गया एंड मैंने जितने भी अपने फार्म थे मैंने उन्हें ग्रो करने की कोशिश की। देखो यार बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था और ये कोई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन तो नहीं था, या चारों तरफ बहुत सारे सीड थे, ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन था इसलिए बहुत ज़्यादा कम सीड थे। तो रात हो चुकी थी और मैंने अपने बेड पे एक प्यारी सी नींद ली। सो फाइनली मैं सुबह उठते ही मैंने एक आइलैंड बनाया एंड इस आइलैंड में मैंने जो है एनिमल्स को पालने के लिए एक आइलैंड बनाया एंड यहाँ पर फिर मैंने फेंस लगा के उनका फेंस गेट भी बनाया एंड यहाँ पर मैं पालने वाला था पहले तो सीप, जो भी हुईट से खाने वाले जो जानवर थे मैं उन्हें पहले पालने वाला था। तभी मैंने ब्लैक सीप को अट्रैक्ट करके यहाँ बुलाया। तो अभी मुझे एक और सीप को बुलाना था तो मैं यहाँ पर घूमता रहा एक और सीप की तलाश में। सो फाइनली मैंने यहाँ पर सिर्फ दो और सीप को यहाँ पर लेकर आ गया। तो ये वैसे ही पानी में फंस गए थे फिर भी अंदर आ गया एंड देन मैंने इन्हें फीड किया एंड इनकी ब्रीडिंग हुई एंड देन हुआ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा। तो बस मैंने आज डे फोर की रात में मैंने यही काम किया, एक फार्म बनाया एनिमल फार्म जिससे हमें बहुत सारे खाना बना मिल सकता था एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे जॉम्बीज मारे अपने आयरन एक्स के मदद से। तो गाइस मैं सुबह उठते ही मैं फिशिंग करने चला गया। अब वक्त था फिशरमैन बनने का और मैं लगातार बहुत सारे दिन तक फिशिंग ही करता रहा। सो गाइस फाइनली यार चार दिन तक लगातार फिशिंग करने के बाद मुझे राहत आई और मैंने बहुत सारे आइटम्स इससे मुझे मिले। एक तो भाई फायर एस्टिमेट का बुक मिला एंड भाई बोक भी मिला जिसमें पंच टू और इन्फिनिट वन लगा था, मतलब एक एरो भाई अनलिमिटेड एरो हो जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा मस्त था। और फिर मुझे वहाँ पर खाने का भी बहुत सारा आइटम मिला था, दर सही में बहुत मज़ा आ गया था। सो गाइस अब मुझे माइनिंग में जाना था और उस माइनिंग के बाद मुझे अपना एक घर बनाना था। तो इसके लिए मुझे बनाना था एक काफ़ी बड़ा जो है ट्री फार्म, ये मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा होने वाला था। और मैं लग गया काम में और मैंने यार एक दिन तक पूरा लगातार यार इस फार्म पर काम करता रहा। अब वक्त था माइनिंग के लिए। तो डे 13 हो रहा था और मैं माइनिंग के लिए निकलने ही वाला था। तो पहले मैंने बेड को ले लिया क्योंकि मुझे नीचे सोने ही वाला था क्योंकि मॉब का खतरा रात को और ज़्यादा हो जाता है माइन में। तो मैं चला गया माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर दिया। तो मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग कल भी की थी बट आज मैं सीरियसली माइन करने चला गया।
सो गाइज, अब मैं वापस आ चुका था अपने आइलैंड में, डे 20 हो चुका था और मैं फाइनली यार माइन से वापस आ गया। तो देखो मुझे बहुत सारे आइटम, हमें यहाँ पर डायमंड भी बहुत सारे मिल गए थे, उससे मैंने एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना ली थी। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया माइनिंग करने में। अब मैं अगली बार भी जाऊँगा वहाँ पर, मैं डायमंड्स बहुत सारे लेकर आऊँगा। इस बार मुझे सिर्फ 3 ही डायमंड मिले थे, बट आगे चल कर मैं और ज़्यादा डायमंड लेकर आ जाऊँगा। तो यार मैं जल्दी माइनिंग करने जाने वाला हूँ, बट मैंने सोच लिया था कि मैं फिर से डायमंड माइनिंग के लिए चला जाऊँगा। और डे 22 के बिल्कुल रात में ही मैं निकल गया माइनिंग करने के लिए। मैं बिल्कुल डीप चला गया माइनिंग करते करते, तो मुझे एक माइन भी देखने को मिला और इस माइन में मैं लगातार माइनिंग करता रहा। देन फाइनली माइन करते करते यार मुझे आयरन्स भी मिलने लगे थे, बहुत सारे आयरन। तो इस बार मैं बहुत सारे आयरन लेकर जाने वाला था, तो मैं आयरन को कलेक्ट करता रहा। एंड मेरा एम था कि यहाँ पर मैं लैपिस लाजूली और भी बहुत सारी चीज़ें लूँ, खासकर गोल्ड भी, क्योंकि पता नहीं है इस वाले सर्वाइवल आयरन पर डायमंड मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने भाई इसका स्क्रीन लेने से पहले कोई रिसर्च नहीं किया यहाँ पर डायमंड है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आयरन्स पहले कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जितने बहुत सारे आयरन्स इस आइलैंड में पड़े पड़े थे, तो मैंने सब आयरन्स को ले लिया। तो यहाँ पर रेडस्टोन भी थे और मैंने रेडस्टोन को भी अपने आयरन वाली पिकअप से कलेक्ट कर लिया। तो मैंने आयरन वाली पिकअप अपने ऊपर ही बना लिया था और अभी तक मैं इतना दिन हो गया, फिर अभी तक एक भी दिन नहीं बीता और अभी तक मैं अपने आइलैंड में नहीं गया। कोई नहीं यार, मैं इस बार तो ऑलरेडी डायमंड ढूंढने के बाद ही आइलैंड से जाने वाला हूँ। तो मैं लगातार यार रेडस्टोन की भी माइनिंग करता रहा। सो फाइनली यार मेरी मेहनत रंग लाई। स्ट्रेट माइनिंग करते करते मुझे फाइनली डायमंड मिल गया। यस गाइस, डायमंड। तो भाई मुझे तो लग रहा था इस सर्वाइवल एलिमेंट डायमंड नहीं है, बट फाइनली मुझे डायमंड मिल गया। मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, 28 डेज हो चुके हैं, मतलब कितना ही बताऊँ, इतना ज़्यादा माइनिंग कर लिया मैंने, फिर जाके मुझे डायमंड मिला। एंड आयरन की पिकअप से मैंने इसे तोड़ दिया। एंड सही बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 से ज़्यादा डायमंड हो सकते थे, तो मैंने इसे डायमंड करने लगा। और भाई लकीली यहाँ पर 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे के पूरे 5 डायमंड मुझे मिल चुके थे। सो भाई मुझे तो मज़ा आ गया भाई, जब भगवान देता है ना छप्पड़ फाड़ के देता है, सही भाई कहावत है। बट मुझे पीछे ऊपर भी मुझे एक डायमंड नज़र आ रहा था, तो मैं पीछे डायमंड माइनिंग करने चला गया। तो ऊपर एक और डायमंड था और मैं डायमंड माइनिंग करता चला गया। तो मुझे ये डायमंड पहले ही दिख गया था, बट मुझे शक था कि वो लैपिस लाजुली तो नहीं है, क्योंकि शुरू में मैंने यहाँ पर सीडर लगा के रखा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये लैपिस लाजुली है या फिर डायमंड है। तो फाइनली मुझे डायमंड मिल चुका था, पूरे के पूरे 6 डायमंड। सो फाइनली मैं ऐसी स्ट्रेट जो है ऐसी माइन कर रहा था, स्ट्रेट माइनिंग कर रहा था, तभी मुझे गोल्ड मिल गया और मैंने इस गोल्ड को कलेक्ट कर लिया। गोल्ड भी भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, डायमंड के बाद यही प्रीमियम है। अब मुझे एक और प्रीमियम आइटम बिल्कुल गोल्ड से सटका हुआ मिला, जिसका नाम है लैपिस लाजुली, जो हमें एन्चेंटेड टेबल में डालकर अपने टूल्स को एन्चेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। पर मैं अभी भी नहीं कहा, मुझे डायमंड मिले जा रहे थे और मैं माइन करता ही जा रहा था। एंड इसी बीच मुझे आयरन्स और गोल्ड्स की भी कोई कमी नहीं मिली, मुझे सबसे ज़्यादा रेड स्टोन मिला। एंड कोल मुझे भाई कम मिला, क्योंकि पता नहीं यार कोल तो मुझे आयरन क्या बोलूँ, गोल्ड से भी कम मिला कोल, बट फिर भी यार आयरन सबसे ज़्यादा रे मुझे कॉमनली मिल जा रहा था। मैं माइन करता रहा जब तक मुझे और ज़्यादा डायमंड नहीं मिला, मुझे पूरे के पूरे अपने जो है आर्मर बनाने थे। अब वक्त का अपने घर को लौटने का, मुझे डायमंड इतने मिल गए थे कि मैं अपना एन्चेंटमेंट टेबल और एक पिकैक्स बना लूँ, तो वक्त है घर जाने का। मुझे अपना एक घर भी बनाना था, तो इसके लिए मैं अपने वापस आ गया और 42 डेज हो चुके थे, मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग गया मुझे वहाँ पर रहते हुए। मुझे डायमंड भी मिले पर मैंने डायमंड्स का टूल्स बना लिया और अब वक्त था एक घर बनाने का। और घर बनाने के बाद मेरे पास सारे सामान थे, मुझे हाउस के लिए सिर्फ कोबलस्टोन और कुछ प्लैंक्स जरूरत थे, और प्लैंक्स से ही कुछ आइटम बनते थे जो मैंने पहले से ही बना के रखे थे, ठीक है। तो अब मुझे ना सारे के सारे मेरे पास आइटम थे और मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया था एंड मैंने गोल्ड को यहाँ पर डाल दिया था फरनास में, ठीक है। तो अब वक्त था अपने आइलैंड को पूरा प्लेन करने का। घर बनाना है तो भाई उबड़ खाबड़ जगह में घर नहीं बना सकता, मैं बिल्कुल प्लेन करने वाला था अपने आइलैंड को बिल्कुल सेम। फिर मैंने अपना घर बनाने की शुरुआत कर ली, तो 41 डेज बीत चुके थे घर की तैयारी करते करते।
सो गाइस फाइनली मैंने अपना घर बना लिया था और बना लिया है फाइनली मैंने अपना प्यारा सा घर। और ये कोई ज़्यादा खास घर नहीं है बट फिर भी यार ठीक ठाक घर है। एंड मैंने यहाँ पर अंडरग्राउंड वाला रास्ता अभी तक बनाया नहीं है, बनाऊंगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर पूरा घर बना लिया, अब वक्त है नेदर जाने का। तो मैं इंटरनेट का भी काम कर लूँगा। अब देखो मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मेरी जो है स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, इसे मैं दिखा नहीं पा रहा। बट यार मैंने अब एंटर का भी मैं सारा काम कर लूँगा। पहले तो चेस्ट जितने भी बाहर सामान रखा है वो अंदर आके रख दूंगा एंड उसके बाद मैं जाने वाला हूँ नेदर। सो गाइस अब वक्त है नेदर जाने का। 51 डेज हो चुके हैं एंड मैंने फ्रंट लगाया और फाइनली नेदर की तरफ। तो मैं नेदर की तरफ जा चुका हूँ। मुझे डर है कि मैं कोई बेकार जगह पर स्पॉन ना हूँ, मैं अच्छे जगह पर स्पॉन हूँ। सो फाइनली मैं यहाँ पर, मेरा पोर्टल यहाँ स्पॉन हो गया। अच्छी जगह है वैसे नेदर एक वाली एरिया, तो ठीक ठाक रहते हैं। बट पता नहीं यहाँ से बाहर कहाँ से निकले, मुझे डर है यहाँ पर लावा वावा ना आ जाए, मतलब मर गया ना। देखो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी ये मेरा 3-4 ट्रायल के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं 2-3 बार मर भी चुका हूँ। देन यार एक्सपी इकट्ठा करते करते केव से बाहर निकलते फाइनली यार भाई केव्स के बाहर निकलने का रास्ता मुझे मिल गया। और सबसे बड़ी बात, निकलते ही मुझे एक मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। मज़ा आ गया सही में। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उसके बाद मैं चला गया नेदर फोर्ट्रेस को लूटने के लिए। उसके बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस में गया और वहाँ के मॉब को मारता रहा, वीदर स्केलेटन को मारा। इससे मुझे दो वीदर स्कल मिला एंड यार भाई मज़ा आ गया वहाँ पर। मैंने लूट भी बहुत सारी की, मुझे गोल्ड्स मिले और सबसे बड़ी बात मैं टोटेम ऑफ अनडाइंग भी मिला। एंड उसके बाद मैं जो है एक्सपी इकट्ठा करने के लिए नेदर में चला गया, मतलब नॉर्मल नेदर में चला गया। इस जो है फोर्ट्रेस को मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लगाया, मैंने एक पूरी की पूरी गैंग थी यहाँ पर एक पिगलिन की, उन पर मैंने बो चला दिया और एक सेफ रूम में आकर बैठ गया। सो गाइस देखते देखते डे 71 हो चुका था एंड यार फाइनली यार मैं नेदर में भी था और मैं वापस आया और मुझे चाहिए थे बहुत सारे एंडरमैन के आइस, तो मैं एंडरमैन को भी मारने लग गया। तो फाइनली यार मैंने बहुत सारे एंडरमैन को मारे लगातार 10 दिन तक। जब तक मुझे 80 डेज ना हो जाए तब तक मैं मारता ही रहा एंडरमैन को और यहाँ पर मुझे भी बहुत ज़्यादा हीट पड़ गई। बट बस भाई मैं कैसे ही करते करते मैं बचता रहा। फिर मैंने कुछ पोशन बनाया क्योंकि मुझे अभी एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जाने वाला था मैं। और मैंने अपनी जितने पोशन मुझे बनानी थी मैंने बना दी थी, नेदर में बहुत सारे आइटम लेकर आया था जिनकी मदद से मैंने पोशन बना। अब मैं रेडी था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए और मैंने अपनी पूरी एंचाइनमेंट जो है सील्ड वगैरह सब पहन दी थी। अब वक्त है एंडर ड्रैगन को मारने का। सो गाइस अब वक्त है एंडर ड्रैगन को मारने का, वक्त आ चुका है एंडर ड्रैगन की पूरी काम खत्म करने का, इस गेम को बीट करने का। तो लेट्स बिगिन। तो भाई मैंने लास्ट बार अपने साइलेंट को गुड बाय कहते हुए मैं यहाँ से निकल गया। तो मुझे बोट लेना है और मैं फिर निकल जाऊँगा। मैंने बोट लिया एंड बोट हुआ एंड निकल गया इस आइलैंड से। मुझे पता था कि इस आइलैंड से मैं खो भी सकता था, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट याद कर लेते और फिर मैं यहाँ से निकल गया। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे आईओ फैंडल यूज़ किए और निकल गया। ऑलराइट गाइस फाइनली यार हम आ चुके हैं एक विलेज के पास, शायद यही इसी विलेज के नीचे हमें मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो फाइनली अब वक्त है स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने का और मुझे 100% श्योर हूँ इसी के नीचे होगा क्योंकि यहाँ पर आई ऑफ एंडर जो है यहाँ बार बार यही नीचे गिर रहा है। सो यहाँ पर मैं नीचे डिग कर रहा था और डिग करते रहा बिल्कुल, कब पता नहीं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कब स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। बहुत देर से मैं डिग ही कर जा रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत नीचे है स्ट्रॉन्ग होल्ड, पता नहीं यार कहाँ पर है यार, जल्दी से मिल जाए बस। और मैं डायरेक्टली अपने नीचे नहीं कर रहा क्योंकि लावा मिल गया ना मैं जल जाऊँगा और मेरी जितनी मेहनत है सारी पानी में जाएगी। तो यहाँ पर मैं डिग करता सो जब मैं डिग कर रहा था यहाँ पर मुझे एक जॉम्बी मिल गया और मैंने बोला यार जॉम्बी कहाँ से आ गया, मैं कूद गया तभी मुझे दिखा ये स्ट्रॉन्ग होल्ड में जॉम्बी स्पॉन था।
मुझे शक तो हो ही रहा था कि भाई माइंड तो ऐसा नहीं, माइंड में भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग होल्ड भी। तो मैं नीचे चला गया, मैंने थोड़ा ब्रेड खाया क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी और मेरी ईट बार भी मतलब कम हो गया था। और मैंने भी और फिर मैंने एंचेंट भी किया हुआ था, पता होगा आपको पहले मेरे पास एक फायर रेस्पेक्टिव टू वाली बुक थी, उसे मैंने लगा दिया था। और फिर मैंने बहुत सारी एक्सपी इकट्ठी की थी जिससे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एंचेंट करा था। अब वक्त है स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरा खोदने का, अब वक्त है यार मुझे ढूंढने का कहाँ पर मेन रूम है और यहाँ पर इवन ब्लूड है, कभी इसे डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया यार, ढूंढना तो भाई पड़ेगा ही। तो देखो यार जैसे मुझे मिल जाएगा मैं मतलब मैं चला जाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी मेरा स्टोरेज भर गया है तो मैं शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। तो अभी मैं चलते हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए, तो मैं पहले ढूंढ लेता हूँ पहले। तो अब वक्त है एंडर ड्रैगन को बीट करने का। ड्रैगन यहाँ पर बैठ चुका है, आने वाला है बिल्कुल अभी, यहीं वाके बैठेगा। और मैंने इसके सारे बॉल तोड़ दिए हैं, अब वक्त है इसे बीट करने का। तो मैं इसे हिट दे जा रहा हूँ स्ट्रेंथ वाला पोशन पी के इसको, और ये उड़ गया यार, तो नीचे आ जा तो मरेगा, अब देख नीचे जल्दी आ जा, देख पूरा मरने वाला है। और मैं एक बो चला देता हूँ उसके ऊपर, ये ले एक बो लगा इसके ऊपर, फिर भाग गया एक बॉल छोड़ के, कोई नहीं तो बॉल छोड़ एक लगा और ये हवा में मर जाए, मज़ा आ जाएगा सही बता रहा हूँ। आना है तो भाई नीचे भी आ जाए, मैं तो मना नहीं कर रहा। और एक और लगा, और अब वक्त है इसे मारने का भाई, जल्दी जल्दी मार मार भाई मार। और फाइनली यार मर गया यार एंडर ड्रैगन फाइनली यार। और मैं अपना ये जो कैमरा एंगल जो है चेंज कर देता हूँ, भाई देखो कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया, वो भी MCP। देखो यार मेरी फर्स्ट वीडियो थी तो यार थोड़ा सा आपको मतलब बेकार ही लग सकता है ये वाली वीडियो, तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट करें यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया और मैं सारी एक्सपी इकट्ठा कर लेता हूँ एंड अब चलते हैं अपने घर। तो मैंने एंडर ड्रैगन को मार लिया है और अब वक्त है अपने घर जाने का। तो इसी के साथ यार फाइनली हम लोगों ने जो है बीट कर लिया है 100 डेज। तो माइनक्राफ्ट में हमने 100 डेज कर लिया, आते आते मुझे लग गया और मैं कहीं और स्पॉन हो गया था, मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास ही मैंने बैड रखा हुआ था तो मैं वहीं पर स्पॉन हो गया था और आते आते मुझे इतना टाइम लग गया। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने वो वाली पार्ट आपको दिखाया नहीं। तो अभी देख सकते हो यार कितना ज़्यादा मज़ा आया, आज मैंने 100 डेज सर्वाइव किया माइनक्राफ्ट में। और यार मैं थोड़ा सा मैं 3 दिन पहले ही आ गया था एंड यार मैंने थोड़ा बहुत अपने फार्म को भी बदल दिया, यहाँ पर मैंने फार्म कर दिया। अब देख सकते हो कितना मस्त मैंने अपना घर बना दिया है। तो यार बस, और भाई मैं बाय कहना चाहूँगा अपने इस आइलैंड को, जिस आइलैंड ने पहले हमें पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया और फाइनली हमें जो है जी मतलब रहने के लिए घर भी दिया। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो। और एक और बात, आपके लाइक करने से मैं बहुत मोटिव हूँगा और इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन लग गए, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो बेल आइकन प्रेस कर दो और को सेलेक्ट कर दो। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।